निनाद सर, मैं आपके पास आ रही हूँ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। निनाद सेठ सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपको क्या लगता है, ये जो सुरंगों में छिपे बैठे हैं हमास के लड़ाके, जिस तरह से बार बार चुनौती दी जा रही है, धमकाया जा रहा है कि अभी हम बाकी हैं और अटैक बाकी है, तो क्या लगता है ये सिचुएशन अभी वॉर की क्या है? देखिए, इसराइल पे अचानक हमला करके दरिंदगी से लोगों को मारना एक बात होती है, इसराइल की प्रिपरेशन के बाद उनके साथ लड़ना एक और बात होती है। हम सुरंगों की बातें कर रहे हैं, सुरंगें ये कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं है कि आप सुरंगों में बैठ के गरिला वॉरफेयर लड़ोगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक नो होल्ड्स बार लड़ाई होने वाली है, फ्लेम थ्रोअर्स आएंगे। देखिए, आप सुरंग में हैं और फ्लेम थ्रोअर आ गया तो आपको दिक्कत है, इसराइल को नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला उनके लिए। मेरे को लगता है कि हमास ने जो करना था वो कर लिया है अब। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी होगा, अर्बन वॉरफेयर कभी इजी नहीं होता, ये हमने हिस्ट्री में देखा है। पर इसराइल जब प्रिपेयर्ड होके जाएगी, और मेरे को लगता है कि अभी लैंड ऑफेंसिव नहीं होगा, लैंड इंकर्जन होंगे, अंदर जाएंगे, काम खत्म करके वापस आएंगे, फिर से अंदर जाएंगे, फिर से वापस। अभी होल्डिंग ऑपरेशन नहीं होगा, अभी तो वो सॉफ्टन करेंगे एयरफोर्स से। मेरे को लगता है कि तीन फ्रंट से वॉर करेंगे, एक लैंड वॉरफेयर होगा, एक एमसीबीएस लैंडिंग भी होगी, सी से भी आएंगे। मुझको लगता है कि हमास को बहुत मुश्किल पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस बार मेरे को लगता है वॉर के रूल नहीं माने जाएंगे। टनल में अगर कोई है तो उनको जिंदा नहीं निकालेंगे ये लोग, तो ये खतरनाक मोड़ भी तो है, बंधक भी तो टनल में ही है जी। और बंधक निकालने के तीन तरीके होंगे। पहला तो इतना ज्यादा वॉर करो कि हमास को थोड़े बंधक छोड़ने ही पड़े। सेकंड, ये मत भूलिए कि हजारों प्रिजनर्स इजराइल के पास भी हैं। बिल्कुल, स्वाप हो सकता है। और बिल्कुल सर, स्पेशल ऑपरेशंस इजराइल के वर्ल्ड के बेस्ट हैं। उन्होंने इससे पहले एंटीबी में, अफ्रीका में 10,000 किलोमीटर जाके बंधक निकाले थे, एक भी सोल्जर लूज नहीं किया था। तो मैंने जैसे कहा, प्रिपेयर्ड इसराइल के साथ लड़ना अपनी मौत बुलाने की तरह है। बिल्कुल। और हमास हालांकि इस बीच बहुत धमकियां भी देता नजर आ रहा, देखना होगा कि क्या होता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग के बीच लेबनान की बहुत बड़ी तैयारी, लेबनान से हो सकता है बड़ा हमला, इसराइल भी शुरू कर सकता है बड़ा ऑपरेशन। अभी दोनों तरफ से हो रहे हमले, लेबनान से हिजबुल्ला लड़ाके कर रहे लगातार हमले। और अब आपको बता दें, खबर यारी के लेबनान से जो वहां की सेना है वो भी शामिल हो सकती है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये फ्रंट भी लगातार सुलगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा। और यहां से अभी जो नॉन स्टेट एक्टर जिसे हिजबुल्ला गुट कहा जा रहा है, हिजबुल्ला गुट अभी हमलों को अंजाम दे रहा है, लेकिन खबर यह है कि बहुत जल्द जो सेना है वो भी आ सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये रविवार किस तरह से घातक होता हुआ दिखाई देगा। इजराइल लेबनान में वॉर और ज्यादा जंगी होगा, आक्रामक होगा। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। बॉर्डर पर लेबनान और इजराइल के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, टेंशन हाई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ईरान के उकसाने पर लेबनान कर सकता है बहुत बड़ा हमला। ये ईरान के उकसाने पर कार्रवाई हो रही है। चौतरफा हमले के बीच इसराइल भी शुरू कर सकता है बड़ा ऑपरेशन, ये भी जानकारी मिल रही है। और लेबनान बॉर्डर पर भी नया वॉर फ्रंट खुलना तय नजर आ रहा है। हिजबुल्ला के साथ लेबनान आर्मी भी जंग में शामिल हो सकती है। इसराइल ने दो दिन पहले ही बॉर्डर इलाके को खाली कराया है, और इसीलिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर हिजबुल्ला का अटैक जो है वो बढ़ गया है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है इसराइल लेबनान के बीच में, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर हिजबुल्ला की एंट्री हो गई है और ज्यादा विभीषिका वॉर की देखने को मिल रही है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, सीरिया में इसराइल का फिर हमला हुआ है। सीरिया के हालात बता रहे हैं आपको, आप अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। अलेप्पो एयरपोर्ट पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं, एक साथ 2 एयरपोर्ट पर IDF के हमले हुए हैं।